सत श्री अकाल, मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर हैं, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने बनाकर तैयार की है। तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी। आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो वेट में जो 500 ग्राम है, तो अब इनको हम काट लेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इनको काट सकते हैं। तो सभी बैंगन को हम इसी तरह काट कर तैयार कर लेंगे। तो ले लीजिए, हमने सारे बैंगन को काट लिया है। तो देखिए, इसकी मोटाई जो ना तो ज़्यादा ये मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले, तो इसी तरह हमने इनको काट लेना है बड़े बड़े साइज़ में। तो मैंने जहाँ पर टंडर भी इनके साथ लिए, क्योंकि बैंगन बिल्कुल फ्रेश थे। अगर आप खाना नहीं पसंद करते तो आप इनको हटा भी सकते हैं, लेकिन हमारे जहाँ जो है टंडर बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए साथ में ही रखे हैं। तो अब इनको हम डाल देंगे पानी में। तो आलू बैंगन की सब्जी के लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, दो टमाटर लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का लिया है और 7 से 8 कली जो है हमने लहसुन की ली है। तो अब इनको हम पहले रफली काट लेंगे। तो अदरक लहसुन को हम जो है कूट लेंगे। तो इनको हम मिक्सी में जार में डालकर इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमने लिए हैं आलू। तो आलू को हमने अच्छी तरह से पील लिया है और इनको धोकर, तो इनको हमने देखिए लंबाई में काट लिया है। आप जब भी आलू बैंगन की सब्जी लें बनानी हो, तो आलू जो है बड़े साइज़ के लें, तो आलू को हमने लंबाई में ही काटना है। तो इस तरह सब्ज़ी दिखने में बहुत बढ़िया लगती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आलू को हमने छील कर पानी में डाल दिया था, ताकि आलू जो हमारे काले ना पड़े। तो चलिए, आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, हमारा सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि इसमें करवाहट होती है, तो इसको अच्छे से पहले आप गर्म कर लें। तो जहाँ पर मैंने 5-6 बड़े चम्मच जो है ऑयल लिया है, तो हमने जो आज की आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, हम आज बनाएंगे फ्राई कर। तो जहाँ पर मैंने जो है 4 से 5 आलू लिए थे, वेट में जो 250 ग्राम है, तो इनको हम डाल देंगे ऑयल में। तो हमने इनको ऑयल से, तो इनको हमने पानी से निकाल दिया था, ताकि जो पानी है इसका सारा निकल जाए। तो अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कि जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। तो इनको हम इसी तरह हलाते हुए फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारे आलू जो हैं हल्के से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे 80% तक जो है आलू पक चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे बैंगन, जो हमने बैंगन काट कर रखे थे। तो हम जहाँ पर बैंगन को भी पानी से निकाल दिया था पहले ही, तो इनको भी हम हल्के से फ्राई करेंगे। तो सभी बैंगन को हम ऑयल में डाल देंगे। इनको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि जो हमारे बैंगन हैं सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर भी गैस की फ्लेम जो है हम मीडियम पर ही इनको फ्राई करेंगे, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। आप आलू बैंगन की सब्ज़ी तो बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरह आलू बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फ्राई करना। तो लीजिए, बैंगन को भी हमने 2 से 3 मिनट लगातार फ्राई कर लिया है। तो जो हमारे बैंगन हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इनको भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने उसी कढ़ाई में जो ऑयल हमारा बच गया था फ्राई करने के बाद, उसी में हम तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ता और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा। को हम अच्छे से पहले भून लेंगे। और मैंने लिया है
अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया था, बिल्कुल फ्रेश है। तो इनको हम पहले हल्का सा भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे टमाटर प्याज का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। तो इसको हमने हल्का सा भून लेना है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने जो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें ही हम जो है मसाले के साथ ही हम जो है बैंगन को भून कर तैयार करेंगे। तो बैंगन तो पकेंगे ही ना, साथ के साथ साथ ही ये मसाला भी पक जाएगा। मसाले के साथ ही जहाँ पर डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, मैं डालना भूल गई थी, आप पहले भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच जो है धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो जहाँ पर मैंने डाली है हाफ टी स्पून, जहाँ पर मैंने लिया हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, जहाँ पर मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर मैंने लिया है नमक। और साथ में डालेंगे जहाँ पर हाफ टी स्पून, जहाँ पर मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने जहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है। तो मसालों को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। तो अब इसमें साथ में हम डाल देंगे जहाँ पर बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बैंगन भी पक जाएंगे और हमारा जो मसाला है वो भी पक जाएगा। तो आलू तो हमने पहले ही अच्छी तरह से पका फ्राई कर लिए थे, उनको हम बाद में डालेंगे। तो इसको हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैंगन को। तो देखिए किस तरह से मसाले की कोटिंग है बैंगन के ऊपर हो चुकी है। तो अब जहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और इसको ढक कर हम 4 से 5 मिनट जो है अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए और बैंगन भी हमारे काफ़ी जो है पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और सब्ज़ी ने भी जो है और रिलीज़ कर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारा जो मसाला है वो भी पक गया है। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैंने पानी डाला है यहाँ पर, और साथ में ही हम डाल देंगे जहाँ पर आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने आलू को भी मसाले में अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर दिया है। तो जहाँ पर हम डालेंगे जहाँ पर दही, तो जहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जो है मैंने दही डाला है। तो दही आप जब डालें तो गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो दही जो है फट जाएगा। तो इसको जल्दी जल्दी हमने जो है मिक्स कर देना है सब्ज़ी में। तो अब इसको हम ढककर जो है 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि जो भी हमारी बैंगन में कसर है और आलू भी हमने 80% तक हमने फ्राई किए थे वो भी पक जाए। ये सब्ज़ी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए सब्ज़ी ने ऑयल कितना रिलीज़ किया है। तो हमारी सब्ज़ी जो है चेक कर लेते हैं। तो हमारी सब्ज़ी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। बैंगन भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। तो जहाँ पर मैंने डाला है हाफ टी स्पून जहाँ पर गरम मसाला डाला है, और साथ में डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारी मसाले से लटपट आलू बैंगन की सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए हमारी मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, बहुत ही टेस्टी जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। दही डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ गया है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह आलू बैंगन की सब्ज़ी आप बनाकर खाइए, सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। 2 की जगह आप 4 रोटी खा जाएंगे तो सभी आपकी तारीफ ही करेंगे और सभी आपसे पूछेंगे कि जी आपने सब्ज़ी कैसे बनाई है। तो आप इसको पूरी रोटी सिंपल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी
लगती हैं खाने में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हल्की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।